नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, जर्नलाइज के तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों कि ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर एक सांसद ने आवाज उठाई है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम के ऊपर पाबंदी यानी बैन लगाने की मांग की है। किस सांसद ने क्या कहा इसकी जानकारी आगे विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक देखने को मिली है, यह खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे बीजेपी के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। खबर राजस्थान में बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है, इसके भी मायने क्या है आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर दोस्तों मुस्लिम समुदाय ने एक बहुत बड़ा काम किया है। यहां पर गणेश जुलूस निकालने को लेकर के मुस्लिम समुदाय ने अपने ईद मिलादुन्नबी जुलूस को एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इन तमाम खबरों की विस्तार से आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोस्तों ईवीएम को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। एक तरफ विपक्ष अपने गठबंधन को बढ़ाने और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं सत्ताधारी दल भी अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव मतपत्रों पर होना चाहिए, ना कि ईवीएम पर। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा, लोकतंत्र इतना कीमती है कि इसे तकनीकी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मुद्दा यह नहीं है कि ईवीएम में हेरफेर किया जाता है, बल्कि मुद्दा यह है कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कागजी मत पत्रों पर वापस जाने के लिए यह कारण पर्याप्त है, साधारण कारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिरकार एक मशीन है, किसी भी तरह से मशीन में धांधली की जा सकती है, मशीन को हैक किया जा सकता है, इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसके साथ ही खिलवाड़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग के ईवीएम से इस जुड़ाव को नहीं समझ पाता, जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपनाया अंत में उन्हें वापस साधारण कागजी मत पत्रों पर वापस जाना पड़ा है, तो हमारे देश में आखिरकार ईवीएम से चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। यह सवाल करते हुए मनीष तिवारी ने ईवीएम पर बैन लगाने की मांग करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 बैलेट पेपर से करवाने की मांग की है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश में होने वाले चुनाव ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है। आप इस खबर को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। वाकया वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर के बाहर का है। प्रधानमंत्री यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे, इसी दौरान एक युवा उनके काफिले के आगे कूद पड़ा है। वहीं पीएम की गाड़ी से बामुश्किल 10 फीट की दूरी पर था यह युवा, पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। एसपीजी उससे अब पूछताछ कर रही है। युवक भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, वह गाजीपुर जिले का रहने वाला है, सेना में नौकरी की मांग को लेकर पीएम से मिलना चाहता था। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। युवक के पास से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम का आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। यानी कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता ही निकला है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि दोस्तों सामने आ रही है, यहां पर राजस्थान से, जहां पर बीजेपी के अंदर चुनाव से पहले बहुत बड़ा खेला हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, राजस्थान में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है। आने वाले दिनों में वहां चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी एक दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। हालांकि इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। एक कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक साथ नजर आए हैं। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की यह मुलाकात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। वहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और एलओपी राजेंद्र
राठौर समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी में कोई बड़ा खेला कर सकती है। और वैसे भी वसुंधरा राजे को बीजेपी के नेता लगातार इग्नोर कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकता भाईचारा की मिसाल कायम की है। आप इस खबर को देख सकते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की शानदार मिसाल पेश की है। प्रशासन की पहल पर मुस्लिमों ने ईद मिलादुन नबी के जुलूस को 28 सितंबर की बजाय 29 सितंबर को निकालने का फैसला किया है। दरअसल असल में इस साल गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन नबी त्योहार एक ही दिन आया है। 28 सितंबर को दोनों त्योहार एक दिन मनाए जाएंगे। गणपति उत्सव हिंदुओं का त्योहार है और ईद मिलादुन नबी मुसलमानों का त्योहार है। नासिक में इन दोनों त्योहारों का जुलूस निकालने का दिन एक ही था, इसलिए पुलिस के सामने काफी परेशानियां आ रही थी। लेकिन यहां पर दोनों समुदाय के लोगों को बुलाकर पुलिस ने बैठक करवाई, तब मुस्लिम समुदाय ने अपना दिल बड़ा किया और एकता भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए कहा कि हम अपने ईद मिलादुन नबी के जुलूस को एक दिन डीले कर देंगे, यानी कि एक दिन आगे बढ़ा देंगे। हिंदू भाई अपना गणेश विसर्जन का जो जुलूस है वो आराम से निकाले, ये अपने आप में देश में भाईचारा और एकता कायम करने के लिए बहुत बड़ी खबर है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है भारत कनाडा के बीच लगातार चल रहे विवाद के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देखिए, भारत ने कनाडा से अपने राजनयिक कर्मचारियों को कम करने के लिए कहा है और गुरुवार को अपने नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया है, क्योंकि ओटावा के इस आरोप पर कि नई दिल्ली एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल हो सकती है, एक समय करीबी सहयोगियों के बीच दरार बढ़ गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस सप्ताह कहा है कि जून में एक सिख अलगावादी कार्यकर्ता को खत्म करने में भारत की संलिप्तता के विश्वसनीय आरोप थे, जिसके बाद सुरक्षा व्यापार में रणनीतिक साझेदार दोनों देशों के बीच संबंध जो है खराब हो गए और उसके बाद बताया जा रहा है कि अब जो है वीजा देना भी बंद कर दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। आप इस खबर को देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सर्वे की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरअसल आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद वाले मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट का मामला है, वहीं चलाया जाए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों के ट्रांसफर के सभी सवालों पर हाई कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है, हम अभी मामले में दखल नहीं दे सकते। इसके बाद हिंदू समुदाय को बड़ा झटका लगा है और उनकी सर्वे करवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने आ रही है, यहां पर नए संसद भवन में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देखिए, कम से कम 50 सांसद एसी से बीमार हो गए हैं। कांग्रेस सांसद ने गिनाई नए संसद भवन की खामियां और उसके बाद खबर यह है कि 50 सांसद नए संसद भवन में जो एसी चलाई जा रही है उसकी वजह से बीमार हो गए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।